हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की सीमा से लगे हुए कुछ पड़ोसी देश को। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से अक्सर कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि आप लोग को सारी चीज़ को कवर करूँ और सारी चीज़ों को जो है ट्रिक के थ्रू आप लोग को याद दिलाऊँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को डाला हुआ है। तो बिना देर किए हुए चलिए गाइस, ट्रिक को स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ट्रिक को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से जो है देश आते हैं। ओके, ये सारे देश हैं, टोटल 7 हैं, उसकी राजधानियाँ ये हैं और उसके रुपए जो है, मुद्रा जो है, ये सारे हैं। तो अभी से लेकर कुछ देर में आप लोग को सारी चीज़ें याद होने वाले हैं। इसके लिए मैंने बहुत ही छोटा सा एक ट्रिक बनाया हुआ है इन देशों को याद करने के लिए। उसके बाद हम लोग याद करेंगे राजधानियों को और पैसों को। तो सबसे पहले हम लोग याद करते हैं कौन कौन से देश आते हैं उसको। इस ट्रिक का नाम है बचना पाकिस्तान मैं आ गया मिटाने। ओके, ट्रिक का नाम है बचना पाकिस्तान मैं आ गया मिटाने। अब देखिए, बा से आपका हो जाएगा बांग्लादेश, चा से आपका हो जाएगा चीन, ना से नेपाल, पाकिस्तान से आपका होगा पाकिस्तान, मैं से आपका हो जाएगा म्यांमार, आ गया से आपका हो जाएगा अफगानिस्तान और मिटाने से आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर टान है और यहाँ पर भी टान है, भूटान में टान साउंड आ रहा है, टाने से आपका यहाँ पर भी टान साउंड आ रहा है। तो इस ट्रिक के थ्रू में आप लोग इन सारे देशों को याद कर सकते हैं। तो अभी एक एक देशों को हम लोग देखते हैं और उसमें जो है उसकी राजधानियों और रुपए को देखेंगे, आपको ट्रिक के थ्रू याद दिलाऊंगा और जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बांग्लादेश, इसकी राजधानी है ढाका और वहाँ कौन सा मुद्रा चलता है, ढाका। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए बांग्ला, इसको करने के लिए तो किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे ढाका और टाका एक ही साउंड है, तो इजीली हम लोग इसको याद कर सकते हैं। और एक नज़र कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियों पर देख लेते हैं। 4096 के आसपास किलोमीटर जो है वो भारत की सीमा को टच करती है, जिसमें से ये राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल जो कि आते हैं। नेक्स्ट है आपका चीन और इसकी राजधानी बीजिंग और इसका जो रुपए है वो है युआन। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का छोटा सा भारत है और चीन जो है उसके मामले में बड़ा है। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, हम लोग जानते हैं चीन नाम बोलने से हम लोग के माइंड में एक चीज़ आता है कि वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या देश होने के बावजूद वो क्या है, बिजी है अपने कामों से। हम लोग ऐसे रिलेट करके याद करेंगे कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है फिर भी क्या है, अभी सब लोग बिजी है, बेकार नहीं है। ओके, बिजी से हम लोग याद करेंगे बीजिंग। और साथ में वो बोल रहे हैं कि आप लोग भी अपना बिजी मोड ऑन कर दीजिए। ओके, बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और बिजी है, बिजी से आपका हो जाएगा बीजिंग। और साथ में बोल रहे हैं कि आप लोग भी बिजी हो जाइए, अपना बिजी मोड ऑन कर दीजिए। ओके, तो हम लोग रिलेट करके ऐसे करके याद कर सकते हैं। और 3488 किलोमीटर जो है वो भारत को टच करती है, जिसमें से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो है ये राज्य जो है इसको टच करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें, भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये 10th लेवल का एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश है। नेक्स्ट देश है आपका नेपाल, इसकी राजधानी है काठमांडू और वहाँ मुद्रा चलती है रुपये। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं छोटा सा देश है, इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे नेपाल। यहाँ पे देखिए साउंड आ रहा है पाल, मतलब राजा महाराजा लोग पहले क्या को पालते थे, शेर को पालते थे, वो भी जिंदा अपने शौक के लिए। अभी भी लोग पालते हैं शेर को, लेकिन वो क्या का बना हुआ रहता है, काठ का बना हुआ रहता है, मतलब लकड़ी का बना हुआ रहता है शेर, और लोग उसको क्या करते हैं, घरों में सजाते हैं। ओके, तो हम लोग रिलेट करके याद करेंगे, यहाँ पे पाल साउंड आ रहा है, तो पाल से आप लोग को याद करना है कि किसे पालते हैं, शेर को पालते हैं। हम लोग भी रखते हैं शेर को पालते हैं, लेकिन वो काठ का बना हुआ रहता है, लकड़ी का बना हुआ रहता है। तो इस तरह हम लोग इजीली याद कर लेंगे। एंड 1751 किलोमीटर जो है भारत को टच करती है, जिसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड राज्य आते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देश है वो है पाकिस्तान, इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, वहाँ भी चलता है रुपया। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए उसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया हुआ है कि पाकिस्तान नाम में ही आप लोग एक चीज़ समझ लीजिएगा, पाकिस्तान बोल रहा है मतलब कि वहाँ पर कौन सा धर्म है, इस्लाम धर्म है। तो आप लोग इजीली याद कर लोगे, इसके लिए आप लोग
कन्फ्यूजन होगा ही नहीं कभी। आप लोग बस पाकिस्तान बोला मतलब माइंड में सेट करना है कि वहाँ पर इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म से हम लोग रिलेट करके याद कर लेंगे कि इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की क्या है, राजधानी है, वहाँ रुपया चलता है, इसको याद कराने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। और 3,323 किलोमीटर क्या है यहाँ पर भारत की सीमा को, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, पंजाब एवं जम्मू कश्मीर जो है राज्य आते हैं। और इसका जो है सीमा को क्या बोलते हैं, इसकी सीमा को बोलते हैं रेड क्लिक। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जो है हमेशा युद्ध होते हैं, कुछ इधर के सैनिक मरते हैं, कुछ उधर के सैनिक मरते हैं। तो वहाँ की ज़मीन जो है अभी कैसी हो गई होगी, वहाँ की ज़मीन अभी हो गई होगी रेड कलर की, क्योंकि हर लोग मर रहे हैं तो खून वहाँ पर हो ही रहा होगा, खून बहुत ज़्यादा गिर रहा होगा, तो वहाँ की ज़मीन कैसी हो गई होगी रेड, तो ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका जो देश है वो है आपका म्यांमार, और इसकी राजधानी है ने पैताओ, ओके। और वहाँ पर कौन सा मुद्रा चलता है, क्यात। तो इसको यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चित्र में कि म्यांमार कहाँ पर है, और इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए मज़ेदार ट्रिक से इसको समझिएगा, आप मान लीजिए ऑफिस में बैठे हुए हैं और बहुत सारा काम है, और जब आप काम कर रहे हैं तो एक कर्मचारी बाहर में आया, गेट के पास आया और बोल रहा है मैं आऊँ, म्यांमार से हम लोग करेंगे मैं आऊँ, तो आपने क्या रिप्लाई किया, नहीं, आप बोल रहे हो कि अभी मत आओ, नहीं अभी मत आओ, बहुत सारा काम है, ओके। यदि कर्मचारी को कुछ सुनाई नहीं दिया तो वो पूछेगा क्या, बोल करके पूछेगा, ओके। तो हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं, कोई कर्मचारी बोलेगा मैं आऊँ, म्यांमार से मैं आऊँ, तो आप क्या रिप्लाई दोगे, नहीं, ओके। और जब कर्मचारी को सुनाई ठीक से नहीं देगा वो तो पूछेगा क्या, ओके। तो रिलेट करके याद कर सकते हैं, इसकी राजधानी ने पैताओ है और मुद्रा जो है वो है क्यात, ओके नेक्स्ट, ओके। और 1,643 किलोमीटर जो है वो भारत को टच करती है, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर राज्य आते हैं। नेक्स्ट देश है आपका है अफगानिस्तान, और इसकी राजधानी है काबुल, और वहाँ पर मुद्रा चलता है अफगानी, ओके। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अफगानिस्तान कहाँ पर है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, यदि कोई चोर मान लीजिए चोरी कर रहा है, ठीक है, और यदि अपना उसका आफत कब आती है, जब चोर पकड़ा जाता है, और आफत कब आती है, जब वो रंगे हाथ पकड़ा गया है लेकिन अपना गुनाह क्या नहीं कर रहा है, कबूल नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर आफत आ जाती है, क्योंकि वो रंगे हाथ पकड़ा गया है। तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। अफगानिस्तान से हम लोग करेंगे, आफत कब आती है, जब अपना कबूल नहीं करता है गुनाह को। इसकी मुद्रा है अफगानी से आपका यहीं पर सेम टू सेम हो जाएगा, ओके। और 106 किलोमीटर जो है वो भारत की सीमा को टच करता है जम्मू कश्मीर, जो कि पाक के अधिकृत वाला भाग है, मतलब पाक उस पर कब्जा जमाए हुए है। और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा खींची हुई है उसको कौन सा रेखा बोला जाता है, उसको बोला जाता है डूरंड रेखा, ओके। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ये है डूरंड रेखा, ओके। नेक्स्ट देश है भूटान, इसकी राजधानी है थिम्पू, और इसकी जो यहाँ जो मुद्रा चलती है वो न्यूगलटम, इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में कि भूटान यहाँ पर है, छोटा सा देश है, और इसको याद करने के लिए मैंने बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स बनाया है, ओके। यदि आपको मान लीजिए कोई देता है भूटा खाने को देता है, तो उसको आप क्या बोलोगे, आप उसको बोलेगे थैंक यू, ओके। भूटान से आपका हो जाएगा भूटा, और कोई आपको भूटा खिलाता है, देता है खाने को, मकई भूटा, ओके, भुट्टा देता है, तो आप क्या बोलते हो उसको, थिम्पू बोलते हो, मतलब थैंक यू बोलते हो। और आपको जो भूटा देता है वो पुराना नहीं होता है, वो जूठा किया हुआ नहीं रहता है, वो कौन सा रहता है, न्यू रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा साउंड आ रहा है नया, न्यू, तो आपको हिंट्स मिल जाएगा इसकी मुद्रा कौन सी है, न्यूगलटम। एंड 699 किलोमीटर जो है वो भारत की सीमा को टच करता है, जिसमें सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश जो राज्य जो है इसको टच करते हैं, ओके गाइज। यदि आप लोग हमारी टीम के साथ में जुड़ करके पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और यदि आप लोग की कोई राय है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हमें अपना सुझाव और राय ज़रूर दें। हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे में दे दूंगा, ओके गाइज। तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी सिक्योर।